नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज चैनल पे। और जैसा कि कल रात को मैंने अपडेट बताया था कि वन शॉट 11 लोग पॉजिटिव मिले हैं, उसके कुछ देर बाद उमरिया डिस्ट्रिक्ट से भी खबर आई और भी बहुत कुछ हुआ। मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि स्थिति कैसे बिगड़ रही है और सबको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कल जो रात को रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद खबर आई कि मेरी शॉप से, जहाँ पे पहले कंटेनमेंट एरिया हुआ था, जहाँ से मेरे शॉप के पास से मरीज़ मिले थे पहले, हस्बैंड एंड वाइफ, बस उसी के आसपास एक होटल वेलकम इन है शहडोल में। जो भी मुझे सुन रहे हैं वो जानते होंगे वेलकम इन होटल, उसको सील कर दिया गया है क्योंकि उसके ओनर जो हैं वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, क्योंकि वो अपने मदर का इलाज करवाने दिल्ली गए हुए थे और आने के बाद वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। अभी फ़िलहाल उनका होटल जो है, होटल वेलकम इन, वो बंद करके सील कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, परसों जो 5 लोग मिले थे उनमें से एक बैंक मैनेजर साहब थे जो कि एक दूसरे बैंक में गए हुए थे मिलने या फिर जो भी काम से, ऑफिशियल काम से, उनके थ्रू एक और बैंक मैनेजर इन्फेक्ट हुए, वो भी पॉजिटिव आए। और जो बैंक मैनेजर परसों मिले थे उनके भैया और भाभी या दीदी या जो भी हैं वो डॉक्टर हैं, वो भी इन्फेक्ट हुए। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का इन्फेक्शन चल रहा है, वाया कहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद मैं आपको अभी तक शहडोल डिवीज़न की पूरी स्थिति में बताना चाहता हूँ, फ्रॉम द स्टार्टिंग अभी तक कितने लोग मिले, कितने लोग रिकवर हुए, कितने लोग एक्टिव हैं और कितने की डेथ हो गई। तो अभी तक फ़िलहाल मैं शहडोल का बताऊँ तो शहडोल में स्टार्टिंग से अभी तक 46 लोग मिल चुके हैं, जिनमें से 22 लोग रिकवर हो चुके हैं और 24 एक्टिव हैं। कल रात को गलती से मैंने 26 बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लें, 24 एक्टिव हैं। टोटल 46 एक्टिव, 24 और रिकवर्ड 22 हो चुके हैं। यहाँ पे शहडोल डिवीज़न, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में भी किसी की डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। उसके बाद चलते हैं अनूपपुर में, तो अनूपपुर में 32 लोग अभी तक मिल चुके हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, जिसमें से 3 एक्टिव हैं और 29 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं रिकवर होके। अब अगर मैं बात करूं उमरिया की, उमरिया में अभी तक 27 लोग मिल चुके हैं जिसमें से 16 एक्टिव हैं, 10 लोग रिकवर हो चुके हैं और एक जने की डेथ हो गई है। आप लोग को पता नहीं, मालूम हो या नहीं मालूम हो कि एक डेथ भी हुई है डिवीज़न में, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे स्थिति जो है वो बिगड़ रही है। कंट्रोल में तो है लेकिन अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट उसको कितना कर पाएगी, गवर्नमेंट के पास भी, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास भी एक डेफिनेट, एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में मतलब बेड हैं, इक्विपमेंट्स हैं सर्व करने के लिए, ये सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली आपको और हमको बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा और बहुत ध्यान से कम 1.5 साल अपने निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले कोई दवाई ववाई की कोई संभावना नहीं है। और भी किसी भी अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अपडेट आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।